दोस्तों रियल मी लॉन्च कर दिया रियल मी एक्स थ्री फोन को इंडिया में तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रियल मी एक्स थ्री और वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन के बारे में ये दोनों फोन का फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स कंपैरिजन करने वाला हूँ इन दोनों फोन में से कौन सा फोन बेहतर है और क्या अंतर है दोनों फ़ोन का स्पेसिफिकेशन में ये दोनों फ़ोन सेम प्राइस पर आता है अगर आपको कहीं कन्फ्यूज हो रहा है इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फोन बेहतर होगा और कौन सा फ़ोन परचेस करना सही रहेगा तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं Realme एक्स थ्री और वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स क्या अंतर है दोनों फोन का स्पेसिफिकेशन में तो पहले यहाँ पे डिस्प्ले से शुरू करते हैं रियल मी एक्स थ्री फोन में डिस्प्ले साइज दिया गया सिक्स पॉइंट सिक्स इंच का फुल एस प्लस आई पी डिस्प्ले दिया गया है इसमें डोएल पांच ओल देखने को मिल जाता है इसमें नॉच नहीं दिया का बात करें तो ट्वेंटी पॉइंट नाइन गया स्क्रीन टू बॉडी रिशु का बात करें तो नाइनटी वन परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रिशु देखने को मिल जाता है और इसमें गरीला ग्लास फाइव का प्रोटेक्शन भी दिया गया और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फोन इसमें डिस्प्ले साइज़ दिया गया है सिक्स पॉइंट फोर फोर इंच का फुल एच प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है इसमें भी नॉस देखने को नहीं मिलता है इसमें सिंगल पांच होल दिया गया का बात करें तो ट्वेंटी पॉइंट नाइन स्क्रीन टू बॉडी ऋष्यू का बात करें तो 91.38 परसेंट स्क्रीन टू बॉडी रिशू देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें घरेला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया है तो डिस्प्ले में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम दिया गया डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा सा बेहतर रहेगा वीवो वी सेवेन्टीन फ़ोन में क्योंकि इसमें सुपर एम डिस्प्ले दिया गया लेकिन इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलता यह कमी देखने को मिलेगा वीवो वी फ़ोन में और ये दोनों फोन का कैमरा का बात करें तो Realme एक्स थ्री फोन में क्वेट रियर कैमरा दिया गया है जो प्राइमरी सेंसर है सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल का एफ वन पॉइंट एट अपाचार का साथ में दिया गया है और जो सेकेंडरी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट फाइव का साथ में टेलीफोटो लेंस दिया गया है और जो टाट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एफ टू पॉइंट थ्री अपाचार का साथ में अल्ट्रा वाइट एंगल दिया गया है जो टाट कैमरा है टू मेगा का एफ टू पॉइंट फोर का साथ में मैक्रो लेंस दिया गया है इसमें 4K वीडियो रेखंड सपोर्ट मिल जाता है एल फ्लैश भी दिया गया और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फोन इसमें भी क्वेट कैमरा दिया गया है जो प्राइमरी सेंसर है फोर्टी एट मेगा पिक्सल का एफ वन पॉइंट एट अपाचार का साथ में दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है एट मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट टू अपाचार का साथ में अल्ट्रा व्हाइट एंगल दिया गया और जो टाट कैमरा है टू मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर अपाचार का साथ में मैक्रोलेंस दिया गया और जो फोर्थ कैमरा है टू मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर अपाचार का साथ में डेप सेंसर के लिए दिया गया इसमें भी फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट मिल जाता है एल ई डी फ्लैश दिया गया और ये दोनों फ़ोन का सेल्फी कैमरा का बात करें तो रियलमी एक्स थ्री फोन में डुअल्व पाच ओल सेल्फ़ी कैमरा दिया गया जो प्राइमरी सेंसर है सिक्सटीन मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट जीरो अपाचार का साथ में दिया गया और जो सेकेंडरी कैमरा है एट मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट टू अपाचर का साथ में अल्ट्रा वाइट एंगल दिया गया और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवनटीन फ़ोन इसमें सिंगल पाँच ओल सेल्फी कैमरा दिया गया थर्टी टू मेगा पिक्सल का एफ टू पॉइंट फोर अपाचार का साथ में सेल्फी कैमरा दिया गया दोनों फोन में पाँच ओल सेल्फी कैमरा दिया गया और दोनों फोन का सेल्फी कैमरा में एल ई डी फ्लैश

टू पॉइंट नाइन्टी सिक्स गी हर क्लॉक स्पीड पर चलता हो जीपी ओ का बात करें तो एड्रोनो सिक्स हंड्रेड फोटी जी पी दिया गया और यहाँ पर बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन इसमें मिड रेंज प्रोसेसर दिया गया है कोलकम स्नैपड्रैगन सिक्स सेवेंटी फाइव ऑक्टोकर प्रोसेजर दिया गया और इसका क्लॉक स्पीड इस है टू पॉइंट जीरो गी हर क्लॉक स्पीड पर चलता है जी का बात करें तो एड्रोनो सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व जी दिया गया है और ये दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेक्नोलॉजी का बात करें तो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर फाइव प्रोसेजर यह सेवन नैनीमीटर पर आधारित है सेवन नैनोमीटर पर चलता है और यहाँ पे बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर फाइव प्रोसेजर ये इलेवन नैनोमीटर पर आधारित है इलेवन नैनोमीटर पर चलता है और ये दोनों फ़ोन का ओ यूजर इंटरफेस का बात करें तो रियलमी एक्स फोन में एंड्रॉयड टेन आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में रियलमी यू दिया गया और यहाँ पे बात करें तो Vivo वी सेवेंटीन फ़ोन इसमें Android 9.0 पॉइंट जीरो पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और साथ में फोन टच 9.1 दिया गया है दोनों फ़ोन का वारंट का बात करें तो रियलमी एक्स थ्री फोन दो वारंट पे आता है सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी जी बी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है एक आता है और एक आता है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज का साथ में और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन ये फ़ोन एक ही वारंट पे आता है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी एट जी बी इंटरनल स्टोरेज का साथ में इसमें मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल कर सकते हैं विवो वी सेवेंटीन फ़ोन में और रियल मी एक्स थ्री फोन में मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल नहीं कर सकते अलग से मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते और ये दोनों फोन का बैटरी का बात करें तो रियल मी एक्स थ्री फोन में फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एम एच का बैटरी दिया गया और फास्ट चार्जिंग का बात करें तो थर्टी वाट का ओक फ्लास चार्ज फोर पॉइंट जीरो दिया गया थर्टी वाट का चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवनटीन फोन इसमें फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एम एच का बैटरी दिया गया फास्ट चार्जिंग का बात करें तो एट्टीन वाट का फास्ट चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा बैटरी पर बाजी मान लेता है वीवो वी सेवनटीन फोन और फास्ट चार्जिंग पर बाजी मान लेता है रियलमी एक्स थ्री फोन दोनों फोन का यूएसपी कनेक्टर का बात करें तो दोनों फोन में यूएसपी टाइप सी टू पॉइंट जीरो देखने को मिल जाता है दोनों फोन में टाइप सी दिया गया दोनों फोन का थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जैक का बात करें तो रियल मी एक्स थ्री फोन में थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जेक नहीं दिया करें तो विवो वी सेवेंटीन फोन इसमें थ्री पॉइंट फाइव एम एम ऑडियो जेक देखने को मिल जाता है दोनों फोन का ब्लूतूथ वर्जन का बात करें तो दोनों फोन में फाइव पॉइंट जीरो ब्लूटूथ वर्जन तो दिया गया दोनों फोन में डुअल फोर जी सिम वोल्टेज मिल जाता है दोनों फोन का सिक्योरिटी फीचर का बात करें तो रियलमी एक्स थ्री फोन में फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है और इसमें साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया साइड में जो पावर बटन है पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फोन इसमें भी फेस अनलॉक मिल जाता है और इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया डिस्प्ले में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है दोनों फ़ोन का बिल क्वालिटी डिज़ाइन का बात करें तो दोनों फ़ोन में काफ़ी अच्छा बढ़िया डिज़ाइन दिया गया है रियलमी एक्स थ्री फोन में ग्लास बैक देखने को मिल जाता है और गरेला ग्लास फाई का प्रोटेक्शन बैक साइड में भी दिया गया फ्रंट साइड में भी गरेला ग्लास फाई का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर बात करें तो वीवो वी सेवनटीन फ़ोन इसमें इसका बैक में प्लास्टिक बैग दिया गया इसमें प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है इसमें ग्लास नहीं दिया है बैग में लेकिन ग्लासिक फिनिशिंग दिया गया फ्रंट साइड में तो ग्लास मिल जाता है लेकिन गरेला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया तो बिल क्वालिटी डिज़ाइन पर यहाँ पे बाजी मान लेता है रियल मी एक्स थ्री फोन इसमें ग्लास डिज़ाइन देखने को मिल जाता है दोनों फोन का प्राइस का बात करें तो मी एक्स थ्री का फ़ोन का जो बेस्ट वारंटी है सिक्स जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है इसका प्राइस है ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ पर अवेलेबल है और इसका जो हायर वारंटी है एट जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है इसका प्राइस है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ पर अवेलेबल है और यहाँ पे बात करें तो वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन ये फ़ोन एक ही वॉरेंट पे आता है और ये फोन अभी जिस प्राइस पर अवेलेबल है वही प्राइस मैं बता रहा हूँ एट जी पी रैम वन ट्वेंटी जी इंटरनल स्टोरेज का साथ में आता है इसका प्राइस है ट्वेंटी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड था नाइन्टी रुपीज़ पर अवेलेबल है दोनों फ़ोन का अवेलेबिलिटी का बात करें तो दोनों फ़ोन फ्लिपकार्ट अवेलेबल देखने को मिल जाएगा रियलमी एक्स थ्री फोन का अभी तक फ़ास्ट सेल नहीं हुआ है ये अठीस जून को फास्ट सेल होने वाला है फ्लिपकार्ट पर तीस जून को फास्ट सेल होने वाला है तो अगर परचेस करना है तो तीस जून को जाके परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से तो बस दोस्तों तो यह था कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स रियल मी एक्स थ्री और वीवो वी सेवेंटीन फ़ोन का आपको दोस्तों इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर लगा और कौन सा फ़ोन आप परचेस करना चाहोगे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और ये दोनों फ़ोन का कंफ्यूज का बात करें तो इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है तो मुझे यहाँ पे जहाँ तक लगता है क्लियर वेनर बन जाता है रियल मी एक्स थ्री फोर इसमें काफ़ी कुछ बढ़िया दिया गया है जैसे कि इसमें बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा बढ़िया दिया गया है इसमें आप लोग को प्राइस भी बहुत ही कम देखने को मिल जाता है और फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है इसमें जो कोलकम स्नैपड्रैगन एट फिफ़्टी फाइव प्लस प्रोसेसर दिया गया यह काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है तो इसमें काफ़ी कुछ बढ़िया दिया गया है और यहाँ पे बात करें तो vivo वी सेवेंटीन फ़ोन इसमें भी दो तीन चीज़ बढ़िया देखने को मिल जाता है जैसे कि सुपर एमोलिट डिस्प्ले दिया गया है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और इसमें बैटरी थोड़ा सा बढ़िया दिया गया है यह दो तीन चीज़ बढ़िया इसमें भी देखने को मिल जाता है और इसमें जो बेस्ट वारंटी है ट्वेंटी में एट जी मिल जाता है और यहाँ पर बात करें तो रियल मी एक्स थ्री फ़ोन इसमें एट जी बी वरेंट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड मिल जाता है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से वायनर बन जाता है रियल मी एक्स थ्री फोन अगर आप लोग इन दोनों फ़ोन में से किसी एक फ़ोन को परचेज़ करना चाहोगे तो मैं यहाँ पे रिकॉर्मेंट करूँगा आप लोग को रियलमी एक्स थ्री फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं यह काफ़ी है, काफ़ी बेहतर एक फोन है तो बस दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमेरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साइट पर तो बेलेकन आएगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपूँगा आप लोग को मिलता रहेगा अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए ताकि वहाँ पे भी आप लोग को ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय